उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक एक निजी कार्यक्रम में अयोध्या पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, माननीय न्यायालय के निर्णय की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा हम वैसे ही चुनाव प्रक्रिया में चले जाएंगे और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिसके लिए हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे वह ओबीसी समाज के लोग हों, एससी समाज के लोग हों या हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। साथ ही उमेश पाल हत्याकांड पर बोलते हुए कहा कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक एक अपराधी को पकड़ेंगे और कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि यह दुखद है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्होंने कहा कि जिस ढंग से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चल रहे हैं, दिन प्रतिदिन अपने कार्यों की वजह से रसातल में जाते जा रहे हैं। बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान शरद पाठक बाबा ने डिप्टी सीएम पाठक को रामनामी पहनाया और राम मंदिर मॉडल भेंट कर भव्य स्वागत किया। आइए आपको सुनाते हैं ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश ने क्या कहा है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, माननीय न्यायालय के निर्णय की हम लोग प्रतीक्षा में हैं। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा हम चुनाव प्रक्रिया में चले जाएंगे और निष्पक्ष चुनाव हो और सभी लोगों को साथ लेकर के चल करके हो, हमारे ओबीसी समाज के भाई बहनों को, एससी समाज के भाई बहनों को, महिलाओं को, सबको साथ लेकर के हम लोग चले। देखिए और एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, हम फिर पुनः यह बात दोहराते हैं, एक एक अपराधी को पकड़ेंगे और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ये दुखद है, हमारी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए किसी को भी, और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप भी सब हमारी संस्कृति के हिस्सेदार हैं, उनसे पूछे क्या ये उचित है। भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह लगाना किसी के बस की बात नहीं है। मैं एक वाक्य आपको याद दिलाता हूँ, श्रद्धेय अटल जी इंडोनेशिया दौरे पर गए थे, अटल जी ने इंडोनेशिया में देखा कि बड़ी संख्या में रामलीला गली गली हो रही है, तो वहां उन्होंने वहां के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा कि आप लोग तो मुस्लिम हो, इस प्रकार की रामलीला का मंचन कैसे करते हो। तो इंडोनेशिया के लोगों ने कहा कि हमने अपना धर्म परिवर्तित किया है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, उनकी संस्कृति है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो मापदंड स्थापित किए उस पर यह संसार चल रहा है, हम सबको उसका अनुकरण करना है। ये उनका सब्जेक्ट है, लेकिन 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 जनता पास से देख रही है और समय आने पर उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब। जिस ढंग से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चल रही है वो दिन प्रतिदिन अपने कार्यों की वजह से ही रसातल में जा रहे हैं। कल उनका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि मैं सांसद हूँ। जब किसी व्यक्ति को अपने पर ये सांसद होने पर दुर्भाग्य है तो किस प्रकार उनकी विचारधारा होगी, कैसे उनके कार्य होंगे, किस ढंग से वो देश को चलाएंगे, किस ढंग से अपनी पार्टी को चला रहे हैं। दिन प्रतिदिन अपनी पार्टी को रसातल में ले जा रहे हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, प्रदेश और देश की जनता को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन देश के बारे में यदि कोई बात ऐसी कहेंगे जिससे देश को क्षति पहुंचेगी, भारत माता को क्षति पहुंचेगी, तो हम भारत के नागरिक होने के नाते इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब समय आने पर देगी। ढंग से प्रभु रामलला का मंदिर हो रहा है, अयोध्या दुनिया के मानचित्र पर नंबर एक बनकर के उभरेगा। जिस ढंग से यहाँ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, बड़े बड़े शहर इससे अपने आप को बराबरी नहीं कर पाएंगे, मैं कह सकता हूँ ये वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या बनने जा रहा है। सर, राम भक्त हैं, अयोध्या के साधु संत, हर कोई चाह रहा है कि भगवान रामलला का जब मंदिर बने तो प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से उसमें जो है पूजन अर्चन करें और रामलला को स्थापित करें। हम भी प्रभु राम से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांग पूरी हो।